अगर आप भी हफ्ते में 2 से 3 इंच बाल लंबे करने की इच्छा रखते हैं या बालों को तेजी से मोटा, घना और लंबा बनाने की इच्छा रखते हैं तो आज की ये रेमेडी जो है ना, आप अपने बालों पर अगर सिर्फ कुछ ही दिन इस्तेमाल करके देखो, आपके बाल जड़ से मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बालों का जो झड़ना है वो एकदम से रुकना शुरू हो जाएगा। अगर दिन भर में आपके 100 से 150 तक बाल झड़ते हैं तो आपके बाल सिर्फ 2 से 3 यूज से ही 40 से 50 रह जाएंगे और हफ्ते भर में आपके बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाएंगे और बाल जो है वो तेजी से बढ़ने लगेंगे। साथ ही बाल जो है बहुत तेजी से मोटे घने होने लगेंगे। अगर आपके सिर में बहुत सारे ऐसे बेबी हेयर्स हैं जिनकी ग्रोथ काफी समय से रुकी हुई है तो आपके बेबी हेयर्स की जो ग्रोथ है वो भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज की इस रेमेडी को हम किस तरीके से रेडी करेंगे, किस तरीके से इसका एप्लीकेशन करना है, इसके लिए आप प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक वीडियो को जरूर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसी यूजफुल रेमेडीज को मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए इस रेमेडी को तैयार करने के लिए हमने क्या करना है, एक बाउल में हमें 1 चम्मच चावल चाहिए होगा, वही चावल जिसका डेली यूज में हम अपने खाने में यूज करते हैं। चावल हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ये हमारे हेयर क्यूटिकल्स को बेहतर करता है और इसके यूज से हमारे बालों में काफी अच्छी शाइन बढ़ती है। साथ ही ये हमारे बालों की स्कैल्प को तेजी से हेल्दी बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉल की जो समस्या है बहुत जल्दी खत्म होना शुरू हो जाती है। साथ ही हमारे बाल बहुत तेजी से बढ़ाने में भी हमारी काफी अच्छे से हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या डालना है, कुछ करी लीव्स आपने यहाँ पर डालने हैं, जो कि मैं यहाँ पर ड्राई करी लीफ यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास में फ्रेश है तो आप उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कड़ी पत्ते में बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन विटामिन्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, बालों की हेल्थ को अच्छा करने के लिए, बालों को स्कैल्प से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, साथ ही हमारे बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए, बालों को मोटा घना करने के लिए। इसमें आयरन इतनी अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे हेयर की स्कैल्प को काफी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन देने का काम करता है और जिसकी वजह से हमारे हेयर की जो स्कैल्प है अंदर से स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग होने के साथ साथ ये हमारे बालों को झड़ना रोकता है और बालों को तेजी से मोटा घना बनाने में, साथ ही लंबा करने में हमारी काफी अच्छे से हेल्प करता है। अब नेक्स्ट इसमें आपने कुछ ड्राई रोजमेरी लीव्स डालनी है, जो कि हमारे बालों को तेजी से ग्रोथ देने में बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करती है, बालों के टेक्चर को ठीक बनाती है, स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करती है और बालों का झड़ना रोकती है। साथ ही बालों को बहुत तेजी से स्मूथनिंग देने का काम करती है, बालों को सॉफ्ट बनाने के साथ साथ बालों के जो टेक्चर है उसको शाइनी बनाती है। अब इसमें नेक्स्ट हमें क्या डालना है, 1 चम्मच ही मेथी दाना डालना है। मेथी दाना हमारे सीवियर हेयर फॉल को काफी तेजी से कंट्रोल करता है, बालों को बहुत तेजी से प्रमोट करता है बढ़ाने के लिए और बालों को बहुत तेजी से सॉफ्ट स्मूथ सिल्की बनाने का काम करता है। बहुत ही अच्छा एक कंडीशनर के तौर पर हमारे बालों पर काम करता है, जिसकी वजह से हमारे बालों में एक नेचुरल शाइन आती है और हमारे बालों की ड्राइनेस रफनेस जो है वो बहुत तेजी से खत्म होना शुरू हो जाती है बालों से। ये हमारे बालों की स्कैल्प में जितने भी इचिंग, ड्राइनेस या फिर डैंड्रफ की समस्या उसको हटाती है, दो मुहे बालों की समस्या को बालों से हटाता है। अब आपने क्या करना है, इसमें आधा ग्लास के आसपास पानी डालकर अच्छे तरीके से इसको अपने 4 से 5 घंटे के लिए सोक करना है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन सबके न्यूट्रिएंट्स इस पानी में चाहिए जो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और बहुत ही अच्छे से हमारे बालों को मजबूती और हेल्दी बनाने का काम करेगा। जब ओवरनाइट इसको सोक किए हो जाएंगे तो आपने क्या करना है, इसको अलग बाउल में स्टेन करके ले लेना है। स्टेन करने के बाद ये जो पानी है हमारे बालों के लिए बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे बालों को तेजी से मोटा, घना, लंबा बनाने के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए और साथ ही साथ हमारे बालों को एक नेचुरल सी शाइन देने के लिए। आपने क्या करना है, जब भी आप अपने हेयर को वॉश करें उससे 1 से 1.5 घंटे पहले इसको अपने बालों पर कॉटन की हेल्प से स्कैल्प में अच्छे तरीके से अप्लाई करें। अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप हेयर की स्कैल्प की थोड़ी सी मसाज करें 1 से 2 मिनट तक। इससे आपके हेयर की स्कैल्प में बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके हेयर की स्कैल्प जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अच्छे से जब आप इसका एप्लीकेशन करने के बाद मसाज दे देंगे हेयर की स्कैल्प को, तो आप 1 से 1.5 घंटा इसको अपने हेयर पे लगा रहने दें। इस प्रोसेस को आप ओवरनाइट भी अपने हेयर पे करके रख सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो आप शैम्पू से 1 से 1.5 घंटा पहले इसका इस्तेमाल अपने बालों पर करें और बाकी का जो बचा हुआ है उसमें आप किसी भी अपने फेवरेट शैम्पू को डालकर, जिस भी शैम्पू को आप अपने हेयर पे इस्तेमाल करते हैं उसको इसमें डाल के अच्छे से मिलाने के बाद अच्छे से अपने हेयर को इससे वॉश करें। इससे आपके बालों को डबल बेनिफिट मिलेगा, बाल बहुत तेजी से आपके मोटे होना शुरू हो जाएंगे, झड़ना रुकेंगे और बाल बहुत तेजी से घने होना, लंबे होना शुरू हो जाएंगे। बाकी जो शैम्पू से पहले हेयर की रूट्स में एप्लीकेशन करना था इस टॉनिक का, उसका एप्लीकेशन आप डेली भी अपने हेयर पे कर सकते हैं। डेली करने से आपके हेयर को बहुत तेजी से इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और जल्दी से आपके बाल जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को जरूर आप रेडी कीजिए, इसका एप्लीकेशन कीजिए और इसके जो बेनिफिट आपको मिलते हैं प्लीज आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में आके। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी यूजफुल रेमेडीज के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।